या तो किसी भी संदूक में, अलमारी में स्टोर कर ले, क्योंकि स्टोर करते समय जो तीन चीजें सीड को नहीं चाहिए होती है वो है हवा, पानी और सूरज। हेलो गाइस, वेलकम टू डेली डूड्स। और आज का जो वीडियो है वो है सीडलिंग्स के ऊपर। मेरे साथ हैं पूर्णिमा सावलकर जी, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और प्लांट्स पर बहुत सारे रिसर्च इन्होंने कर रखा है। तो आज मैं इनके साथ सीडलिंग कलेक्शन पर एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि वो बहुत डिटेल में बताने वाली हैं कि जो सीड्स होते हैं, जो विंटर प्लांट होते हैं, अब उनका मौसम जा चुका है, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे कलेक्ट करें और कैसे स्टोर करें, तो इस पर हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे दुनिया की उत्पत्ति का कारण बीज, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। हमारी ज़िंदगी में बीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कम से कम हमारे देश में कोई घर होगा जिसके घर में कोई बीज ना हो। अगर सोच के देखो तो आप जो अनाज खाते हो वो भी बीज हैं। दाल हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं का आटा हो, चावल हो या बाजरा हो। सो ये बीज जो है अपने आप में एक पावर हाउस है। हम उनको खाते हैं, इसी से हमको समझ में आता है, हम खाते ही हैं उनको एनर्जी के लिए। तो ये अपने आप में एक पावर हाउस है, न सिर्फ इंसान के कंजम्पशन के लिए, मगर अपने आप की, खुद की उनकी वैरायटी जिंदा रखने के लिए और अपने टाइप की उत्पत्ति करने के लिए। और इन सीड्स को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। चूँकि अब ये समर का सीज़न है, विंटर फ्लावर्स ख़त्म हो चुके हैं, और ये अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, ये जो तीन महीने होते हैं विंटर फ्लावर्स के या विंटर वेजिटेबल के सीड कलेक्शन का समय होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों को बता दूं कि सीड्स कलेक्ट किस तरह से किए जा सकते हैं। सीड कलेक्शन कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, मगर जानकारी की ज़रूरत इसलिए होती है। मैं एक छोटी सी वाक्या में शेयर करती हूँ। मैं कर्नाटका गई थी और मैंने वहाँ की अपनी सहेली को बोला कि मेरे घर में इलायची का पौधा तो है, मगर आज तक इतने सालों से कभी मैंने उसको इलायची लगी हुई देखी नहीं। वो हंसी और उसने मुझे पूछा, तुझे पता है कि इलायची लगती कहाँ है पौधे पे? मैं बौखला गई। मैंने कहा, भाई ये कैसा सवाल हुआ? मैंने बोला, क्यों, इलायची का फूल आता है, फूल के बाद में वही फल आता होगा और उसी में सीड आता होगा। तो वो हंसी, इलायची जो है पौधे के जड़ों के पास लगती है, जड़ की तरह एक ऐसी मोतियों की स्ट्रिंग आती है और वहां पर इलायची लगती है। तब जाके मेरे दिमाग में आया कि वाकई में लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कि किस पौधे का बीज कहाँ लगता है, और इसलिए ये मुझे लगता है कि बीज जो है हमारे लिए, एक गार्डनर के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ, जैसे मूंगफली अपने घरों में होती है, और हम बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप मूंगफली को तोड़ो, तोड़ने के बाद में इसके जैसे दो पार्ट्स निकल जाते हैं, ये थोड़ा अभी कच्चा है, एक कोई पका हुआ सीड हम लेते हैं, इसके दो पार्ट निकल जाते हैं, दो पार्ट के बीच में जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, हाँ ये, ओ ये खराब है, ये खराब है, ये जैसे इसके जस्ट थोड़ा सा प्रेस करने से ये इसके दो पार्ट निकल जाते हैं, और ये देखिए ये दो पार्ट के बीच में ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट एक्चुअली इस सीड का बेबी प्लांट है, इसमें से प्लांट निकलता है, और बाकी ये जो पूरा बाकी का इतना बड़ा पोर्शन है ये इस बेबी का, इस पौधे ने दिया हुआ फूड है। ये बेबी जब तक अपने आप में एक पौधा नहीं बनेगा और खुद फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाना शुरू नहीं करेगा, तब तक ये जो फूड है, ये फूड बेबी को पूरी एनर्जी देता है। इतनी सुंदर सीड्स की अरेंजमेंट होती है, वो तो जितने हम सीड्स देख रहे हैं ये सारे सीड्स जो हैं ये एक एनर्जी हाउस कहिए या पावर हाउस हैं। तो इसमें देखिए जिस तरह से आपको ये है डिल का सीड, फिर ये है कॉस्मोस का सीड, ये है कॉस्मोस का सीड, ये है कॉर्नफ्लावर का सीड, ये बिल्कुल ये सारे जो हैं
फूलों के नीचे लगते हैं। अभी मैं सारे विंटर फ्लावर्स के बीज मैं आपके सामने लेकर बैठी हुई हूँ, और ये सारे जब फूल आपका सूख जाता है, तो फूल सूखने के बाद उसको अगर आप पेड़ के ही ऊपर थोड़ा हाथ से अगर आप उसको प्रेस करें, तो इस तरह से ये सीड्स निकल आते हैं। ठीक है, सो ये है कॉर्नफ्लावर के सीड्स, ये फिर से डिल के सीड्स हैं, ये लैक्सपर के सीड्स हैं, ये देखिए काले जो सीड्स आपको दिख रहे हैं, ये पेपर फ्लावर के सीड्स हैं, ये पीले रंग का है, और ये पेपर फ्लावर रेड कलर का सीड है, ये गजेनिया का सीड है, और ये जो है कैलेंडुला का सीड है, कैलेंडुला येलो कलर है। तो इस महीने में जब ये सीड पूरी तरह से पौधे पे इस तरह से सूख जाए कि आपके बिल्कुल नॉर्मल हाथ के प्रेशर से उसके सीड्स निकल आए, तब जाके आपको ये सीड्स कलेक्ट करने हैं। आप इस तरह से उनको तोड़ ले, दो तीन दिन के लिए उनको थोड़ा धूप में उनको सुखा ले अच्छे से, और सूखने के बाद आपको इस तरह से सीड्स को स्टोर करना है। सीड को स्टोर आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो आप किसी पेपर के पैकेट में उसको बांध ले, और वो पेपर के पैकेट को अच्छे से आप साइड से पूरा सील करके, और उसको आप एक जिप लॉक में डाल दें, और जिप लॉक को भी सील करके आप उसको रख सकते हैं अगले सीजन तक। दूसरा तरीका है, कोई भी शीशे की या प्लास्टिक की बॉटल आप ले ले, इसको अच्छे से धो ले, धो के सुखा ले तीन चार दिन, जिसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में आप इसको इस तरह से सीड्स डाल के और आप इसको टाइट करके इसको रख सकते हैं। अभी सीड कलेक्शन का पार्ट हो गया, ये हो गया सीड स्टोरेज का पार्ट। सीड जब आप स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर चार पांच इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा। कौन से पौधे का ये सीड है, उसके बाद कौन सा कलर है, पौधे का कलर कौन सा है, इस पौधे का सीजन कौन सा है, क्योंकि कई बार आप जैसे समर के भी सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, विंटर के भी सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह रख रहे हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि कौन से विंटर का था और कौन सा समर का था, इसलिए आप सीजन का नाम जरूर लिखें। फूल ये कब खिलता है, जैसे विंटर में खिलता है या समर में खिलता है, उसका सीजन आपने लिख लिया। किस सीजन में आपको वो सीड सो करना है, जैसे विंटर फ्लावर्स का सोइंग सीजन होता है जुलाई अगस्त, माने मॉनसून होता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक आप इसके सीड्स डाल सकते हैं, सोइंग सीजन आप लिख ले। और उसके बाद प्लांट की हाइट आप जरूर लिख ले। अच्छा। क्योंकि जब आप अपना गार्डन प्लांट कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप एक ही गमले में या तो तीन चार वैरायटी लगा ले, या दीवार से लेके तो आगे की तरफ वॉकवे की तरफ आप अलग अलग प्लांट के हाइट की डेकोरेशन करें, उस तरह से उसको जमाएं, तो जो लंबा पौधा है वो पीछे होगा, जो मिड हाइट पौधा है बीच में होगा, और जो बिल्कुल छोटा हाइट का पौधा है वो आगे होगा। ये आपको गार्डन के लैंडस्केप प्लानिंग में हेल्प करता है, इसलिए प्लांट की हाइट भी आप जरूर लिखें। और स्टोरेज के लिए आप इसको या तो किसी भी संदूक में, अलमारी में स्टोर कर ले, क्योंकि स्टोर करते समय जो तीन चीजें सीड को नहीं चाहिए होती है वो है हवा, पानी और सूरज, सनलाइट। ये तीन चीजें सीड को नहीं चाहिए होती, क्योंकि यही तीन चीजें उसको जर्मिनेशन के लिए चाहिए होती है। इसलिए इन तीन चीजों के अलावा आप अगर किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल में अगर आप स्टोर कर रहे हैं, तो इसको पेपर ढक ले, पेपर से टाइट करके आप किसी भी कूल एंड ड्राई प्लेस में इसको स्टोर करें। अब कूल एंड ड्राई प्लेस हो सकता है अपने कपड़ों की अलमारी हो, और मैं जनरली जो करती हूँ, फ्रीजर के जो रेफ्रिजरेटर का जो डीप फ्रीजर का सेक्शन होता है, मैं उसमें इसको स्टोर करती हूँ। टेम्परेचर रहता है, जैसे हम फ्रीजर फ्रिज में सब्जियां क्यों रखते हैं, फ्रेश रहने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए। और जो डीप फ्रीजर का सेक्शन होता है वो काफी, उसका जो हवा का मॉइस्चर होता है वो काफी कंट्रोल्ड होता है। ये बात अच्छी बताई आपने। इसलिए इसको आप डीप फ्रीजर में स्टोर करें। जब इसका सोइंग सीजन आएगा तो इसको एक दो दिन पहले आप निकालें, इस बॉटल को थोड़ा एम्बियंस पे, रूम टेम्परेचर पे इसको रखें, और दो दिन के बाद स्टोर करें। एक ध्यान रखें, अगर आप डीप फ्रीजर में स्टोर कर रहे हैं तो शीशे की बॉटल में ना स्टोर करें। अच्छा। शीशे का बॉटल क्रैक हो सकता है। हाँ, ये बात आपने अच्छी बताई। हाँ जी, तो इसलिए या तो प्लास्टिक की बॉटल में करें, या तो जिप लॉक में करें। ये हो गया सीड स्टोरेज, सीड कलेक्शन एंड सीड स्टोरेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।